असलम वेलकम बैक टू टेक मास्टर इफ़ी यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों आप सब? दोस्तों आज की जो वीडियो है वो चैनल कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है कि आप अपने चैनल को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वाइट स्टूडियो सर्च करते हैं और अपना चैनल आप लॉग इन कर लेते हैं उस पर। चैनल लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देख लें वेबसाइट पे आपको ये सबसे जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है तो इस पर आपने चले जाना है। तो कस्टमाइजेशन का ये ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे। अब यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन में आपको तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, और लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेआउट में आगे आपको चैनल ट्रेलर का ऑप्शन आ रहा है और फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, और नीचे आपका शॉर्ट्स का और जो प्लेलिस्ट का सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे जो है चैनल ट्रेलर वीडियो आपकी जो बेस्ट वीडियो है वहाँ उसको आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये तीन डॉट्स पे क्लिक करके चेंज वीडियो पे जाता हूँ। तो अब तक की जो मेरी बेस्ट वीडियो है मैं उसको यहाँ पर सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी नज़र में जिस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आए हैं। तो उसके बाद नीचे जो है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे भी आपने अपनी बेस्ट वीडियो सेलेक्ट करनी है इसी तरह। उसके बाद नीचे आपकी प्लेलिस्ट आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ब्रांडिंग का आता है, तो इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे आपके चैनल का लोगो आ जाता है, बैनर आ जाता है, और आपका जो वीडियो है उसमें अगर आपने वाटर मार्क ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो कहाँ पे करना है आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि वीडियो का स्टार्ट में हो, किस टाइम पे आपका जो है लोगो आना चाहिए, डिस्प्ले का होना चाहिए, तो एंड पे ज़्यादा सूटेबल है, या इंटायर वीडियो में आप दिखाना चाहते हैं तो आप पूरी आपके वीडियो में आएगा। इसके अलावा बेसिक इन्फो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का यूआरएल तो आएगा, कस्टम यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिंक्स डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम के डाल सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम लिख लें यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में, मैंने इंस्टाग्राम जैसे लिख दिया आगे उसका लिंक डाल दिए। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फेसबुक पेज का लिख दिया और आगे लिंक डाल दिए। इसी तरह आप प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मज़ीद लिंक्स डाल सकते हैं, ट्विटर का और जितने भी पेजेस हैं, वेबसाइट का कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है चैनल के लिए, तो ये बेसिक से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसकी ब्रांडिंग वगैरह नहीं की हुई तो आप उसको कर लें, और लेआउट में भी आप ये सेटिंग कर लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर लें, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लेआउट में अगर प्लेलिस्ट वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। पॉपुलर अपलोड्स वगैरह ये काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, तो सिंगल प्लेलिस्ट या क्रिएट करनी है प्लेलिस्ट आपने तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन में यही ऑप्शन है तीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।